हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हुआ हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए। जुलाई माह का पहला सप्ताह कैसा क्या जाएगा, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण उपाय है, ये सभी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण उपाय मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। देखिए वृश्चिक राशि, इस समय ग्रह गोचर की स्थिति हम जान लेते हैं। देखिए इस समय ग्रह गोचर की जो स्थिति है वृश्चिक राशि के लग्न से देखी जाए तो इस समय लग्न स्थान पर वृश्चिक के लग्न में ही केतु देव विराजमान है और इस समय जो सप्तम भाव है वहाँ राहु के साथ बुध देव विराजमान है वृषभ राशि का। तो इसमें क्या क्या परिणाम होंगे वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस समय अष्टम स्थान पर मिथुन राशि विराजमान है और उस पर देव, वो सूर्य देव अपनी ही मित्र राशि का इस समय विराजमान है। भाग में कर्क राशि का इस समय मंगल उपस्थित है जो कि उसकी नीच राशि है। मंगल इस समय कर्क राशि में उपस्थित है और उसके साथ शुक्रदेव इस समय विराजमान है। और इस समय तृतीय स्थान पे अगर हम देखा जाए, तृतीय स्थान पे इस समय धनु राशि उत्पन्न है, मकर राशि उत्पन्न है जिसमें शनि देव विराजमान है जो शश नामक महान योग बना रहे हैं इस समय। और इस समय चतुर्थ स्थान पे देव गुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं कुंभ राशि के। तो अब इन सभी राशियों का मैंने आपको पूर्ण रूप से बताया। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि इस सप्ताह में क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण उपाय है। देखिए इस समय वृश्चिक राशि वालों को मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। एक राजनीतिक पक्ष से आपको ऊंचा पद इस समय प्राप्त हो सकता है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है तो आपको गवर्नमेंट से कोई मान सम्मान इस समय प्राप्त होगा। इस समय जो मेहनत परिश्रम आपने अधिक समय से की उसका पूर्ण रूप से इस समय फल प्राप्त होगा। नए वाहन, नए मकान के इस समय योग बनेंगे। माता के सुख में पूर्ण रूप इस समय प्राप्त होगा। माता के साथ कहीं अधिक समय, मतलब कहीं बाहर धार्मिक स्थल पे आप घूमने जा सकते हैं, माता के साथ समय व्यतीत करेंगे। संतान के लिए थोड़ा सा चिंताकारक समय रह सकता है। एजुकेशन लाइन के लिए थोड़ा सा चिंताकारक समय रह सकता है। जो कॉलेज लाइफ वाले हैं, पढ़ाई लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा चिंताकारक ये समय रह सकता है। शत्रुओं से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु कोई ना कोई आपको परेशानी, कोई हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। पत्नी से जो मनमुटाव, जो तनावपूर्ण वातावरण चल रहा था पूर्ण रूप से समाप्त होगा। पत्नी ही इस समय खर्च पे अंकुश लगाएगी क्योंकि खर्च समय खर्च भी आपका अधिक बढ़ सकता है, इसलिए पत्नी ही इस समय खर्च पे अंकुश लगाएगी। इस समय सबसे अधिक आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा। मनोरंजक स्थलों पर घूमने के अवसर आपको प्राप्त होगी, वहीं आपका सबसे अधिक धन इस समय खर्च होगा। इस समय सबसे अधिक धन लाभ आपको प्राप्त होगा। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों से देव गुरु बृहस्पति वक्री हुए किंतु वो शनि की राशि पे वक्री होने के कारण वो शेयर मार्केट में सबसे अधिक आपको वृश्चिक राशि वालों को धन प्राप्त कराएंगे। जॉब में जो परेशानी चल रही थी पूर्ण रूप से समाप्त होगी। नए प्रमोशन, नए जॉब, नए सैलरी के योग आपको प्राप्त होंगे। बॉस जो अधिक समय से नाराज चल रहे थे पूर्ण रूप से आपके पक्ष में होंगे और आपकी सैलरी और नए प्रमोशन के योग आपके बनेंगे। जो सीनियर आपको कोई ना कोई बाधाएं पहुंचा रहे थे पूर्ण रूप से समाप्त होगी। सीनियर आपके पक्ष में होंगे, लाभकारी योग बनेंगे। भाग्य के लिए नए भाग्यपूर्ण, विकासपूर्ण योजनाएं इस समय बनेंगी। सबसे अधिक धन लाभ प्राप्त होता है। विदेश जाने के योग भी इस समय प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह विदेश जाके कुछ अधिक धन लाभ आप कमा सकते हैं। थोड़ा सा पैर की पिंडली पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पैर संबंधित कोई ना कोई परेशानी इस समय उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुधवार के दिन गणेश जी को दुआ अवश्य चढ़ा, इससे मन में जो एक अशांति का वातावरण है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो और शत्रुओं की तरफ से कोई भी विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए बुधवार के दिन गणेश जी को दुआ अवश्य चढ़ाएं। मैंने आप सभी को वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा क्या जाएगा, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण विषय है, मैंने सब आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं जिससे उनकी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान ज्योतिष ज्ञानी पे मिल सके। इसलिए अगर इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।